नमस्कार, DTH TV गाइड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सॉलिड सेट टॉप बॉक्स में मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए आप वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई कनेक्ट करके कैसे YouTube को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका जो पूरा प्रोसीड्योर है, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले सॉलिड का जो सेटअप बॉक्स है, उस सेटअप बॉक्स में वाईफाई मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए वाईफाई एक्सेस करने के लिए जो डिवाइस का ज़रूरत होता है वो है वायरलेस अडेप्टर या फिर वाईफाई जो डंगल होता है वो भी आप चला सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक वायरलेस अडेप्टर है, उसको पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वायरलेस अडेप्टर है, ये पैकेट है उसका। चलिए इसको निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वायरलेस अडेप्टर है इस पैकेट में। तो इस जो वाईफाई अडेप्टर है, इस अडेप्टर का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर इस सीडी में दिया हुआ है। कंप्यूटर में इस ड्राइवर को इंस्टॉल करके आप इसे कंप्यूटर में भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए। तो दोस्तों मैं कंप्यूटर के बारे में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी सेट टॉप बॉक्स के को देखूंगा। सेट टॉप बॉक्स के मैं अभी सेट टॉप बॉक्स के साथ इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और वाईफाई एक्सेस करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये जो वाईफाई अडेप्टर है इसको हम सॉलिड सेट टॉप बॉक्स में अभी लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सॉलिड सेट टॉप बॉक्स है मेरा। ये देखिए दोस्तों, सॉलिड का है। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, दो USB पोर्ट है, मैं एक पोर्ट में ये लगा चुका हूँ। अब इसको अब मेरा जो ये मोबाइल है इसको मैं इसका जो हॉटस्पॉट है मैं ऑन करता हूँ। तो पहले मैं इंटरनेट को एक्सेस ऑन कर देता हूँ और अब मैं हॉटस्पॉट को ऑन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हॉटस्पॉट और ये देखिए आइडिया का जो 4G है वो ऑन हो गया है और ये हॉटस्पॉट भी ऑन है। तो चलिए अब हम सेटअप टीवी में चलते हैं और देखते हैं कि सेटअप बॉक्स को किस तरह से मैं कनेक्ट करता हूँ हॉटस्पॉट के साथ। तो मोबाइल का हॉटस्पॉट मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए मोबाइल का जो वायरलेस जो अडेप्टर है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए आप टीवी में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम टीवी के सामने हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले इंस्टॉलेशन का मेनू है, फिर सिस्टम सेटअप और फिर एडिट चैनल है ये, फिर टूल्स है, फिर ये मीडिया प्लेयर है। तो दोस्तों इसमें हम पहले ये टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाके ये देखिए दोस्तों, नेटवर्क सेटिंग्स है, इस नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे। ये देखिए नेटवर्क सेटिंग्स है, ये नेटवर्क सेटिंग्स में आ गए, अब हम ओके करेंगे। इधर देखिए नेटवर्क सेटिंग्स है और नेटवर्क ऐप है। तो पहले हम नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए नेट चूज़, यहाँ पे वाईफाई है तो वाईफाई सिलेक्ट है। आप वाईफाई अगर नहीं है तो यहाँ पे वाईफाई सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो और इसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके ओके करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा जो हॉटस्पॉट, मैंने जो हॉटस्पॉट ऑन किया था, ये देखिए DTH TV गाइड के नाम पे मेरा जो हॉटस्पॉट है वो है और ये इसको मैं एक्सेस करता हूँ, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, WP कनेक्ट आ गया है। अब यहाँ पे
पासवर्ड मांग रहा है, तो चलिए पासवर्ड को दे देते हैं। यहाँ पे हमारा जो हॉटस्पॉट का पासवर्ड है, तो ये देखिए दोस्तों, मैं पासवर्ड जो है मैं फिलअप कर पासवर्ड जो है मैं ये पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। तो अब मैं कनेक्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे कनेक्ट में मैं ओके करूँगा। ये देखिए कनेक्टिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये सिग्नल क्वालिटी, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी सब ठीक ठाक है। तो चलिए अब मैं बैक करके नेटवर्क यूट्यूब में जाऊँगा। ये नेटवर्क ऐप है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क ऐप में जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों यूट्यूब है, तो यूट्यूब में अब मैं जाऊँगा। ये देखिए यूट्यूब का जो कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब का जो कैटेगरी है, ये इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सर्च पे जाऊँगा, देखिए सर्च पे आ गया। आप यहाँ पे कीवर्ड पे मैं जिस चीज़ को देखना चाहूँगा उस चीज़ को मैं सर्च करूँगा, उस कीवर्ड को मैं सर्च करूँगा। तो मैं WWE को सर्च करते हैं। ये देखिए रिमोट से WWE लिख के यहाँ पे ओके में आ जाना है। ये देखिए ओके में, यहाँ पे ब्लू स्क्रीन है, ब्लू कलर का। ये देखिए रिमोट में भी ब्लू कलर का एक स्विच है यहाँ पे, ये देखिए ब्लू कलर का। तो इसको मैं ब्लू कलर में आके मैं ये देखिए ओके कर देता हूँ। ओके, तब ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों WWE का जो मैच है वो यहाँ पे आ गया है, दिखाई दे रहा है। तो मैं किसी एक मैच को ऑन करूँगा। ये देखिए दोस्तों ये एक्सेस हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रोमन रेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ऊपर में आप इंटरनेट का जो स्पीड है वो स्पीड भी देख सकते हैं। ये मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए जो वायरलेस अडेप्टर है, उस वायरलेस अडेप्टर के ज़रिए ये यूट्यूब चल रहा है टीवी पे। तो अब इसी तरह से किसी भी यूट्यूब का जो किसी भी वीडियो है, गाना है, गान है, सॉन्ग है, किसी भी चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं अपने टीवी में इस सॉलिड सेट टॉप बॉक्स के ज़रिए दोस्तों। और इस वीडियो में आपने देखा कि मैं मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए अपना सॉलिड सेट टॉप बॉक्स में वाईफाई को कनेक्ट करके कैसे टीवी में यूट्यूब देख सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे रहिए, नमस्कार।